राकेश कुमार सिन्हा, आई एम योर इंग्लिश टीचर। इट इज माई 20 लेक्चर इन क्लास 2 फ्रॉम इंग्लिश वर्क बुक। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश वर्क बुक चैप्टर 5, गुड नाइट टिंकू। इसे मैं पढ़ा दिया हूँ, आगे मैं एक्सरसाइज को बताने जा रहा हूँ। जैसे पेज नंबर 26, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट साउंड वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे वर्ड बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं जिसके करेक्ट साउंड क्या है, उसको साउंड को उसके सामने बॉक्स से लिख देना। जैसे फर्स्ट में है द साउंड ऑफ द थंडर रॉयर आर ओ ए आर। सेकेंड में द साउंड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग विंड हाउल एच ओ डब्ल्यू एल होल। थ्री नंबर में द साउंड ऑफ ए स्मॉल बेल रिंगिंग जिंगल जे आई एन जी एल ई। द साउंड ऑफ टेलीफोन रिंगिंग ट्रिंग ट्रैंक टी आर आई एन जी टी आर आई एन जी ट्रिंग ट्रिंग। फाइव नंबर में द साउंड ऑफ वाटर फॉलिंग ड्रिप ड्रॉप डी आर आई पी डी आर ओ पी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट साउंड फ्रॉम द बॉक्स। अब इसी यहाँ साउंड जो दिए गए हैं उस बॉक्स में, उस बॉक्स के साउंड को सेंटेंस में फिल कर देना है। वन से फाइव तक सेंटेंस देंगे। जैसे फर्स्ट में है द डॉग ऑलवेज बार्क डी ए आर के एट द स्ट्रेंजर्स। सेकेंड नंबर हिज टीथ स्टार्ट टू चैटर फ्रॉम द कोल्ड सी एच ए डबल टी ई आर। थ्री नंबर में द स्क्वेयर एस क्यू यू ए आ ई ए के एस क्यू यू ई ए आ ई ए के ऑफ द माउस कुड बी हियर्ड ऑल नाइट। फोर नंबर में ए लॉट ऑफ बीज बुज अराउंड द गार्डन एवरी डे वी हियर द एस सी आर डबल ई सी एच स्क्रिच ऑफ द कार ट्राइज एज द कार स्टॉप सडनली। यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के एडजेक्टिव जिसे कहते हैं। एवरी थिंग्स अराउंड अस हैज ए नेम। प्रत्येक चीजें हमारे चारों तरफ हैं, उसके कुछ नाम हैं। दीज नेम्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स, और उन नामों को हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं या नाउन कहते हैं। वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स और नाउन आर कॉल्ड ए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव। वर्ड जो हमें जिसका कुछ नाम है वर्ड्स का और या नेमिंग वर्ड्स कहते हैं, उस नाम को कुछ डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। जो नाउन है वो डिस्क्राइब करते हैं। रेड कार, यहाँ पे कार जो है वो नाउन है जिसको डिस्क्राइब कर रहा है कि रेड है। यहाँ पे स्मॉल हाउस, हाउस जो है वो एक नाउन है, हाउस इस नाउन को यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है स्मॉल। इसी तरह यहाँ अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस। इन वाक्यों में कौन से वर्ड जो है डिस्क्राइबिंग है उसको तुम अंडरलाइन करना है। जैसे लीनास ड्रेस इज ग्रीन, तो यहाँ ग्रीन वर्ड जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। द एलिफेंट इज बिग एनिमल, यहाँ बिग जो है वह डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है या एडजेक्टिव जिसे कहते हो वो है। माई एल्डर सिस्टर लव कैंडीज, यहाँ पे एल्डर जो है वह डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है या एडजेक्टिव है। यहाँ पे फोर नंबर में माई फादर मेक्स डिलीजियस करी, यहाँ डिलीजियस जो है वह एडजेक्टिव है या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। फाइव नंबर देयर आर ब्लैक क्लाउड इन द स्काई, ब्लैक जो है यहाँ एडजेक्टिव वर्ड है।
सिक्स नंबर में गार्डन हैज कलरफुल फ्लावर, यहाँ पे कलरफुल जो है वो डिस्क्राइब वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर बी में पेज नंबर 27 में है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब इस बॉक्स में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को लगाना है एडजेक्टिव को, कि कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किस सेंटेंस में लगेंगे। जैसे वी वॉश द डर्टी डैश डिशेज आफ्टर डिनर, यहाँ डर्टी वर्ड होंगे डी आई आर टी वाई। सेकेंड में इन विंटर डे आर शॉर्ट एस एच ओ आर टी, शॉर्ट एंड नाइट आर लॉन्ग, यहाँ पे माइडा इज ए क्लीवर गर्ल, क्लीवर भरेंगे यहाँ सी एल ई वी ई आर, गर्ल हु लर्न थिंग्स वेरी फैट वेरी फास्ट, गर्ल हु लर्न्स थिंग्स वेरी फास्ट। फोर नंबर में द चिल्ड्रेन आर हैप्पी, यहाँ हैप्पी भरेंगे एज दे गोइंग टू द फेयर। और फाइव नंबर में मोहन्स पेरेंट्स बॉट हिम ए न्यू एन ई डब्ल्यू न्यू बाइसिकल ऑन हिज बर्थडे, यहाँ पे उसके बाद आर्टिकल है पेज नंबर 28 में। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ईच ब्लैंक्स विथ ए और एन, कहाँ पे ए लगेंगे और कहाँ पे इस सेंटेंस में एन लगेंगे। हम फिल इन द ब्लैंक्स में जहाँ खाली है वहाँ पे हम ए और एन यूज़ करते हैं। जैसे जार के पहले ए लगेंगे, यहाँ पे एप्पल के पहले एन लगेंगे, सैंडविच के पहले ए लगेंगे, एंट के पहले एन लगेंगे और पीस ऑफ क्लॉथ के पहले ए लगेंगे और कार्टून के पहले ए लगेंगे और स्टोरी बुक के पहले ए लगेंगे और इंटरेस्टिंग बुक के पहले इंटरेस्टिंग के पहले एन लगेंगे। यहीं पे यह चैप्टर समाप्त होता है। आगे मैं इसके अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा।